क्लास 8 मैथ एक्सरसाइज 3.3 एनसीईआरटी सीबीएसई के बुक से क्वेश्चन नंबर सेकंड का फोर्थ पार्ट हम कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। तो इसमें हमको क्या निकालने का है, एक्स वाई और जेड का वैल्यू निकालने का है, ठीक है। ये वैल्यू और ये वैल्यू, ये 80 डिग्री है तो 80 डिग्री होगा वो पक्का है, ये 80 डिग्री है तो ये भी 80 डिग्री होगा वो भी क्लियर है, क्यों, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है, ये क्या है अपोजिट एंगल है, और ये क्या है एक्स जो है दोनों के साथ 180 डिग्री बनाएगा, 180 डिग्री बनाएगा इसका मतलब कि वो 100 डिग्री होगा, साधारण हम देखते हैं उसमें ही हमको पता चल जाता है, ठीक है। प्रोसेस चालू करते हैं, लेट ए बी सी डी, ठीक है, ये मैंने ए बी सी और डी अभी लिख दिया, ठीक है। तो ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम जो है वो ए बी सी डी है, ठीक है। और क्या, अब क्या है कि एंगल एंगल जेड जो है यानी ए बी, ए बी पैरेलल है सी डी के, है ए बी और डी सी बोलिए या सी डी बोलिए, क्या है पैरेलल है, ठीक है, पैरेलल है। एंड बी सी इज ए ट्रांसवर्सल, ठीक है। तो क्या होगा कि एंगल जेड, एंगल जेड नहीं जेड ओनली, ठीक है, जेड इक्वल टू 80 डिग्री, क्यों होगा जेड 80 डिग्री, क्योंकि सी जो है वो 80 डिग्री है, बी सी बी जो है 80 डिग्री है, तो ये भी 80 डिग्री होगा क्योंकि दोनों कोरस्पोंडिंग एंगल है, ठीक है, कोरस्पोंडिंग एंगल, ओके। जेड का वैल्यू हमको हमारा आ गया, अब अगेन, ठीक है, एंड ठीक है, एंगल ये सॉरी वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, वाई इक्वल टू 80 डिग्री, क्यों, क्योंकि अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम का ये अपोजिट एंगल है, तो y भी 80 के बराबर ही होगा, 80 के इक्वल ही होगा, y इक्वल टू 80 डिग्री, क्यों, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम है, ठीक है। अब हमारा क्या है, हमको निकालना है एंगल x, सिर्फ x हमारा बच रहा है, ठीक है। तो x एंड y चूंकि 80 और BC, ठीक है, सिंस, ठीक है, सिंस AD, AD एंड BC पैरेलल है, AD BC पैरेलल है और ये एक ट्रांसवर्सल है, ठीक है, एंड DC इज ए ट्रांसवर्सल, ओके, AD BC के पैरेलल है और DC जो है ट्रांसवर्सल है, तो 80 प्लस x इक्वल टू या x प्लस 80 इक्वल टू 180 डिग्री होगा, क्यों होगा 180 डिग्री, क्योंकि इंटरनल एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, ठीक है, इंटरनल
एंगल ऑफ इंटरनल एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल ठीक है इंटरनल एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल ट्रांसवर्सल के सेम साइड में जो इंटरनल एंगल होता है वो एंगल का सम जो होता है वो 180 डिग्री होता है या वो जो होता है सप्लीमेंट्री होता है सप्लीमेंट्री होता है मेन ठीक है इंटरनल एंगल का सम 180 डिग्री होता है या ये दोनों मिलके सप्लीमेंट्री बनाता है इसके लिए x प्लस 80 इक्वल टू 180 हो गया तो x इक्वल टू 180 माइनस 80 इक्वल टू 100 डिग्री ठीक है तो तीनों का वैल्यू आ गया आपको तो एक लास्ट में आप लिख दीजिए 10 x इक्वल टू 100 ओके और z इक्वल टू 80 डिग्री और y इक्वल टू 80 डिग्री ये आपने निकाल लिया ठीक है क्वेश्चन नंबर सेकंड का फोर्थ पार्ट कंप्लीट हो गया ठीक है।